हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 56 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ क्विक रीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एनटीए अभ्यास के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्म में, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करेंगे बायो से, देन केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स पे आएंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो क्वालिटी आपको लो लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो डर एप्लीकेशन का लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो डर एप्लीकेशन डाउनलोड करके व्हील्स मीडिया प्लेयर से चलाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन में एचडी क्वालिटी में चलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ बायो का है। सेलेक्ट द ऑप्शन रिगार्डिंग द टिश्यूज दैट आर ग्रुप्ड अंडर द ग्राउंड टिश्यू। आंसर विल बी सी, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट इपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। All tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue. It consists of simple tissues such as parenchyma, chorionchyma and sclerenchyma. Parenchymatous cells are usually present in cortex, pericycle, pith and medullary ridge in the primary stems and roots. In leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells and is called mesophyll. Each of these circles represent an animal group. Which one of these options has animal groups which can be depicted by this diagram? Okay, तो यहाँ पे आंसर होगा डी, यानी फोर, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज यहाँ पे फर्स्ट में होंगे, ओके। सेकेंड में यहाँ पे होंगे एनिमल्स विथ वेल डिफाइंड जॉ, और थर्ड यहाँ कॉलम में होंगे एनिमल्स विथ 12 pairs of cranial nerves, और फोर्थ कॉलम में होंगे एनिमल्स विच कैन मेंटेन दियर इंटरनल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आ गया है। इन दिस डायग्राम वन इंक्लूड्स टू विच इंक्लूड्स थ्री एंड विच इंक्लूड्स फोर, दस ग्रुप फोर शुड बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप थर्ड विच शुड बी अ सब ग्रुप ऑफ सेकेंड विच शुड बी अ ग्रुप ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ फर्स्ट। इन ऑप्शन फर्स्ट एनिमल्स विथ थ्री जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक आर प्रेजेंट इन ऑल फाइला फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेटा। एनिमल्स हैविंग बायलेटरल सिमेट्री आर प्रेजेंट इन ऑल फाइला फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। एनिमल्स विथ नो सिलोम ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस बायलेटरल सिमेट्री आर प्रेजेंट इन फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस, बट मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेलमिंथिस डोंट हैव काइटनस एक्जोस्केलेटन। दिस इज सीन इन अर्थोपोडा विच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर प्लैटीहेलमिंथिस। इन ऑप्शन सेकेंड एनिमल्स विथ रेडियल सिमेट्री आर प्रेजेंट इन फाइलम नाइडेरिया, फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। एनिमल्स विथ कैलकेरियस ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा। एनिमल्स विथ रैस्पिंग ऑर्गन्स कॉल्ड रेडुला आर प्रेजेंट इन मोलस्का विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इकाइनोडर्मेटा। इन ऑप्शन थर्ड एनिमल्स विथ कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आर प्रेजेंट इन ऑल फाइला फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेटा। Animals with chitinous exoskeleton are present in arthropoda. Animals with three pairs of legs and two pairs of wings are insects which are included under arthropoda. Animals with book gills as their respiratory organs are crustaceans which are not insects. In option 4, animals with notochord during embryonic stages are included in phylum Chordata. Animals with well-defined jaws are present in Ganthostomata which is division under phylum Chordata. Animals with 12 pairs of cranial nerves are amniotes include in class Reptilia. Apes and mammalia are included under division Ganthostomata. Animals which can maintain their internal temperature constant homeotherms are birds and mammals. So this is the correct option. In mollusks of New York State, which of these expressions give you a value between 0.1 to 0.2? Okay, S equal to log of species richness, A equal to log of area, C equal to log Y intercept in the species richness area curve. Answer will be A, SC minus A. The relation between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, fresh water fishes turns out to be a rectangular hyperbola with the equation S equal to C A Z on a logarithmic scale. S is equal to species richness, A equal to area, and C equal to Y intercept. The interactions of ligands with protein will be, answer will be D, are usually
ट्रांजिएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द गिवन स्ट्रक्चर? आंसर विल बी सी, मोनोसेकेराइड्स दैट इज प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोजैक वायरस। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर पेयरिंग ऑफ कॉलम वन एंड टू? ओके, तो अल्फा वन ट्रिप्सिन का होगा सेकेंड यानी इम्फाइसेमा, जीनोग्राफ्ट का वन यानी पीग, रूजी मिल्क सी का यहाँ पे होगा थर्ड यानी ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड, और डी का फोर यानी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग का होगा मोर सेंसिटिव ट्रांसजेनिक एनिमल्स। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कार्डियक वाल्व्स फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड इज? आंसर विल बी डी, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी सेमिलर वाल्व, एरोटिक सेमिलर वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। एक क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। विच वन फीचर इज कॉमन टू लीच कॉकरोच एंड स्कॉर्पियोन? आंसर विल बी सी, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। विच ऑफ दीज पेयर आर इनकरेक्टली क्लब्ड टूगेदर? आंसर विल बी डी, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल माइटोटिक मेटाफेज, ये हमारा गलत है, बाकी ए बी और सी जो है वो सही है। सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स विच डू नॉट डिवाइड हार्ट सेल्स, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस और डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमेयर काइनेटो कोर्स। विच टाइप ऑफ प्राइमर इज यूज द जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? आंसर विल बी बी, कंप्लीमेंट्री टू थ्री डैश एंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। द न्यूक्लियस इज अ सिग्निफिकेंट ऑर्गेनेली फाउंड इन द सेल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यूक्लियस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिटरमाइंस द नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट है, द न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड पेरी सेंट्रियोलर स्पेस, तो ये हमारा गलत होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। सेकेंड यहाँ पे, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द गोल्जी एपरेटस, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे कह रहा है, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, तो ये हमारा सही है। फोर यहाँ पे कह रहा है, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट लिपिड सिंथेसिस, तो ये हमारा गलत होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। तो यहाँ पे तीन यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर होगा सी, थ्री स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। विच ऑफ दीज ग्लैंड्स आर करेक्टली मैच्ड विद दियर एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन एंड केमिकल नेचर ऑफ दियर हॉर्मोन्स? ओके, करेक्टली मैच, तो यहाँ पे जो फोर है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, इंडोडर्म और केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ये हमारा जो है वो करेक्ट मैच है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल वाज कट ट्रांसवर्सली फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फॉर द लेयर्स एग्जामिन्ड क्या होगा? तो आंसर होगा यहाँ पर सी, सेरोसा, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके बाद सर्कुलर मसल्स, देन सब म्यूकोसा, उसके बाद सबसे जो इनसाइड होगा वो म्यूकोसा होगा। डैनी एट स्पिनेक सलाद एंड मटन करी फॉर लंच, एट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल्स डिड डैनी फंक्शन इन दिस फूड चेन? आंसर विल बी सेकेंड एंड थर्ड यानी प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड वन। आंसर विल बी सी, ड्रायोपिथेकस, देन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, देन होमो सेपियंस। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ थ्री नाइट्रोजन वेस्ट इज अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर S1, H2, H3 एंड द टॉक्सिसिटी लेवल्स ऑल्सो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर T1, T2, T3, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा डी होगा, F4, यानी कि अमोनिया यहाँ पे H2 और T3 आएंगे, यूरिया यहाँ पे H2 और T2 और यूरिक एसिड S1 और T1 सबसे लीस्ट टॉक्सिक होते हैं यूरिक एसिड, और सबसे ज़्यादा सोलूबल और टॉक्सिक होते हैं अमोनिया, इसलिए S3 और T3 होगा, और मीडियम में आते हैं यूरिया।
The saliva in the mouth and the tears from the eyes will be included under which category of innate immunity? Answer will be A, physiological barrier. The secondary pollutant has caused significant damage to the beauty of historical monuments like Taj Mahal and Red Fort. Identify the correct match of the responsible pollutant and its characteristics feature. Answer will be C, acid rain. pH is less than 5.6. Next, which of the components of human semen are correctly matched with the glands that secrete it? First, यहाँ पे citric acid, prostate gland सही है. Second, यहाँ पे है fibrinogen, seminal vesicles बिल्कुल सही. Third, यहाँ पे prostaglandins, prostate gland, तो ये हमारा गलत होगा. Fourth, यहाँ fructose, seminal vesicles बिल्कुल सही है. Okay. The thick filament of a myofibril is part of the muscle fiber. Select the incorrect statement regarding it. Answer will be D. Short arm of the light meromyosin has an active ATPase enzyme activity. तो ये हमारा गलत है. बाकी A, B, C और जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. Each thick filament is a polymerized protein of monomeric meromyosin. Each meromyosin has two important parts. A globular head with a short arm and a tail. The heavy meromyosin components form the cross arm of thick filaments. Which combination from the option fill up the blank spaces A, B, C and D correctly in the table below? तो यहाँ पे जो correctly है वो B होंगे. ये यहाँ पे Streptococcus, B fungus, C strain और D Clostridium botulinum यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे. ओके, यानी कि टाइप ऑफ माइक्रो बैक्टेरियम जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पे साइंटिफिक नेम है कॉमर्शियल प्रोडक्ट क्लॉट बस्टर इंजाइम. बी यहाँ पे फंगस होंगे एस्परगिलस नाइगर, कॉमर्शियल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है. सी थर्ड यहाँ पे कह रहा है फंगस मोनस्कस परपीरियस, इसका जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट है स्ट्रेन है. और बैक्टेरियम यहाँ पे डी में आगे क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, जिससे हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट ब्यूटारिक एसिड ऑप्टेन करते हैं. ओके, ये जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले मॉक टेस्ट में आ चुके हैं. व्हाट इज द करेक्ट फेट ऑफ अमोनियम आयंस इन प्लांट्स? आंसर विल बी डी. इट अंडरगोज रिडक्टिव एमिनेशन विच विथ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड टू ग्लूटा ग्लूमेट विच फर्दर अंडरगोज ट्रांस एमिनेशन टू फॉर्म अदर एमिनो एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. फॉलोइंग आर गिवन सिक्वेंसेज ऑफ एम आर एन ए, आइडेंटिफाई द वन दैट विल नॉट अंडर गो कम्प्लीट ट्रांसलेशन. यहाँ आंसर होगा डी, 5-AUG-AAC-UAA. बीच में यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ जा रहा है, इसलिए कम्प्लीट ट्रांसलेशन नहीं होगा. CCA-CUC-3-. ओके, बाकी सारे में जो है लास्ट में यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ रहे हैं, लेकिन डी में बीच में ही आ जा रहा है. Which of these properties are seen in hibiscus rosa sinensis? First, यहाँ पे है leaves with alternate phyllotaxy, बिल्कुल सही है. Okay. Second, यहाँ पे कह रहा है polycarpellary syncarpus inferior ovary, तो ये हमारा गलत है. China rose के बारे में यहाँ पे कह रहा है, hibiscus rosa sinensis जो है वो China rose का scientific name है. Third, यहाँ पे कह रहा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन इन पेटल्स, तो ये सही है. बेसल प्लांटेशन ऑफ ओव्यूल्स, ये हमारा गलत हो जाएगा. हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज हैज एक्जाइल प्लांटेशन. इट हैज अ पॉलीकार्पेलरी सीन कार्पस सुपेरियर ओवरी विथ द हाइपोगाइनस इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वर्ल्ड्स. इट हैज एन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन विच अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन एन अल्टरनेट मैनर. इट हैज ट्विस्टेड एस्टिवेशन इन विच वन मार्जिन ऑफ द पेटल ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन. फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ क्लैडोफोरा वाज गिवन बाय. आंसर विल बी डी, एंजेलमैन. ऑब्जर्व द एक्शन पोटेंशियल एंड स्टेट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर इन फेज वन एंड फेज टू. तो यहाँ पे आंसर होगा बी, फेज वन सोडियम चैनल्स ओपन काउजिंग मूवमेंट एंड सोडियम आयंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू द एक्सोप्लाज्म. फेज टू यहाँ पे जो डोनेट कर रहा है वो है पोटेशियम चैनल्स ओपन काउजिंग मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड.
Observe the picture and state the phenomenon that can be explained by this. Answer will be C, resource passing. During muscle contraction, hydrolysis of ATP results in a change in the answer will be B, conformation of myosin. Determine the statement that is not related to sporopollenin. Answer will be it is one of the most resistant organic material which is produced by endothecium. तो ये हमारे गलत है. बाकी A, C और D जो है वो sporopollenin से related correct हैं. The hard outer layer of pollen grain is called exine which is made up of sporopollenin. No enzyme is known yet which degrades sporopollenin. It can withstand high temperature and strong acid and alkali. Which of the following terms have been grouped correctly? Answer will be D. Starch sheath endodermis of dicosystem को बोलते हैं. Each of the following option has a true regard has a rule regarding a certain animal group and an exception from the group written in brackets. Which one is incorrect? Answer will be D. Roundworm are monoecious ascaris. ये हमारा गलत है. बाकी A, B और C जो हैं सही हैं. Reptiles have a incompletely four-chambered heart. Crocodiles. Amphibians have two pairs of limbs. Ichthyophis. और sponges are found in marine water. Spongula. D जो है roundworm are जो होते हैं वो dioecious होते हैं. इसलिए वो गलत हो जाएगा. P, Q, R and S are four places in the world are given in the following map. Arrange these places in increasing order of their biodiversity. Okay, ये भी एक तरह का इनी क्वेश्चन है. तो यहाँ पे P, Q, R, S है. P यहाँ पे अफ्रीका में है, R यहाँ पे साउथ अफ्रीका, Q नॉर्थ अमेरिका, ओके, S यहाँ पे एशिया है. तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी यहाँ पे इंक्रीज जो है वो पी है यानी अफ्रीका में, देन आर यानी साउथ अमेरिका में, उसके बाद उससे कम होगा यहाँ पे एस यानी एशिया में, और सबसे कम यहाँ पे क्यू यानी नॉर्थ अमेरिका में डाइवर्सिटी होगा. फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बींग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी. इन जनरल स्पीसी डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव away from the equator towards the poles. In this map, P is closest to the equator, hence we'll have maximum biodiversity. R is closer to equator as compared to S, hence it will have a greater biodiversity than S. Also, Q is very close to the poles, so it has least biodiversity. Select the combination that correctly matches the fungi to its respective class. Okay. तो यहाँ पे आंसर होगा बी यानी सेकेंड. वन का सेकेंड होगा यानी द फंगस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द हेलोसिनोजेनिक ड्रग एलएसडी, इसका होगा सेकेंड यानी एस्कोमाइसिटीज. टू का थर्ड यहाँ पे यानी कि द फंगस विच अफेक्ट्स क्रॉप प्लांट्स एंड सीरियस यूजिंग पाउडरी स्मर्ट्स का होगा थर्ड यानी बेसिडियोमाइसिटीज. और यहाँ पे थ्री का फोर होगा यानी द फंगस काउजिंग व्हाइट फ्रस्ट इन मस्टर्ड प्लांट का होगा फाइकोमाइसिटीज. और फोर लास्ट का होगा यानी फर्स्ट यानी द फंगस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन का होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज में. फंजाई यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइन अ हेलोसिजोनिक ड्रग इज क्लाविसेप्स परप्यूरिया. इट इज इंक्लूडेड अंडर द ग्रुप एस्कोमाइसिटीज. द फंगस विच अफेक्ट क्रॉप प्लांट्स एंड सीरियल्स काउजिंग पाउडरी स्मट्स इज स्टूलागो. इट इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप बेसिडियोमाइसिटीज. द फंगस काउजिंग व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड प्लांट इज एल्बुगो कैंडिडा. इट इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप फाइकोमाइसिटीज. द फंगस यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन इज ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम. इट इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप डिट्रोमाइसिटीज. यहाँ पे कह रहा है मैच द प्रोटीन्स विथ दियर अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज. ओके,
कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन रिसेप्टर, ग्लूट फोर और एंटीबॉडी के बारे में यहाँ प्रोटीन और प्रॉपर्टी उसका है। तो यहाँ फर्स्ट है कोलेजन का होगा 6 यानी इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। 2 यहाँ की यानी कि ट्रिप्सिन का होगा सेकेंड यानी इंजाइम है ये ट्रिप्सिन। 3 इंसुलिन का होगा फर्स्ट हार्मोन रिसेप्टर। 4 का होगा यहाँ 5 यानी कि सेंसरी रिसेप्शन स्मेल टेस्ट हार्मोन। 5 का 4 यानी कि ग्लूट 4 का होगा इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। और 6 का 3rd यानी एंटीबॉडी का होगा फाइट इन्फेक्शस एजेंट। ओके नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। द मॉडर्न डे वॉशिंग पाउडर्स हैव सम बायोलॉजिकल कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्टली एडेड टू द पाउडर एज बायोलॉजिकल कंटेंट। आंसर विल बी डी लाइपेज। स्टेट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ सिस्टम एंड आर एच सिस्टम टेक टूगेदर इज करेक्ट। आंसर विल बी ए द ब्लड ग्रुप हैविंग ऑल द पॉसिबल एंटीजेंस प्रजेंट इन दीज टू सिस्टम्स इज द यूनिवर्सल रेसिपियंट। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज। आंसर विल बी बी द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट फ्रॉम बिलो दैट इज मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द 3 सब फेजेज ऑफ द इंटर फेज ऑफ द माइटोटिक सेल साइकिल। आंसर विल बी बी ड्यूरिंग एस फेज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस। रिपीटेड क्वेश्चन। इन बैक्टेरियल सेल्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इनवेलप कैन आइदर बी ए। आंसर विल बी सी स्लाइम लेयर और कैप्स्यूल। थिन लेयर रहेगा तो होगा थिन लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स होगा तो स्लाइम लेयर बोलेंगे और थिक लेयर रहेगा तो उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। सेलेक्ट द सिम्टम दैट इज नॉट शोन इन ग्रेव्स डिजीज। आंसर विल बी सी वेट गेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इनहिबिट डीकम्पोजिशन। आंसर विल बी डी लो टेम्परेचर इनहिबिट डीकम्पोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिबिटिंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आंसर विल बी ए वॉल्फ और नंबैड जो है वो हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो नहीं करेगा। बाकी बी सी डी करेंगे लेमूर स्पॉटेड कसकस बॉब कैट टैजमैनियन टाइगर कैट और मोल मार्सुपियल मोल। मनु हुई जो वर्कर इन द डंप यार्ड स्टार्टिंग एक्सपीरियंसिंग नोजिया वोमिटिंग हेडक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर द फास्ट फ्यू डेज। ऑन केयरफुल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन हिज डॉक्टर केम टू द कंक्लूजन दैट ही सफर्स फ्रॉम निकेल पॉइजनिंग। विच इज द मोस्ट लाइकली काउज ऑफ दैट पॉइजनिंग। आंसर विल बी सी ई वेस्ट। विच ऑफ दीज ऑप्शंस डज नॉट हैव अ पेयर ऑफ डिजीज काउज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम जीनस। आंसर विल बी डी एंथ्रस एंड एंथ्रेक्स एंड प्लेग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेसिडुआ इज फॉल्स। आंसर विल बी बी डेसिडुआ पेराइटेलिस रिफर्स टू द पार्ट ऑफ डेसिडुआ विच गिव्स राइज टू मैटरनल पार्ट। तो ये हमारा फॉल्स है। बाकी ए सी और डी जो है वो करेक्ट हैं। डेसिडुआ सेल्स आर इनलार्ज्ड वैक्यूलेटेड इंडोमेट्रियल सेल्स फिल्ड विथ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। डेसिडुआ कैप्सुलरिस रिफर्स टू द पार्ट ऑफ डेसिडुआ विच ओवरलाइज द एम्ब्रियो एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम द यूटराइन कैविटी। और दीज सेल्स आर कॉल्ड डेसिडुआ बिकॉज दे आर शेड ऑफ ड्यूरिंग परचुरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे 46 है। फॉलोइंग आर गिवेन डिफरेंस बिटवीन रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर्स विच इज आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो है ए सी डी जो है वो करेक्ट है। मायोग्लोबिन कंटेंट रेड फाइबर्स में हाई होते हैं व्हाइट फाइबर्स में लो होते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रेड फाइबर्स में हाई होते हैं और व्हाइट फाइबर्स में लो होते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन रेड फाइबर्स में एरोबिक होते हैं और एनएरोबिक होते हैं व्हाइट फाइबर्स में। और बी यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो रेड रेड फाइबर्स में जो होते हैं वो लो होते हैं और व्हाइट फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो होते हैं सॉरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो हाई होते हैं इसीलिए व्हाइट होते हैं। ओके ऑब्जर्व द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ चीज विच इज प्रोड्यूस्ड इन एमेंटल स्विट्जरलैंड। द डिप्रेशन इन दिस चीज आर ड्यू टू। आंसर विल बी
सी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शर्मानी। यूजिंग द टिश्यू सैंपल फाउंड एट द क्राइम सीन द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर रैन अ डीएनए एनालिसिस विथ फोर सस्पेक्ट्स एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेंड आर शोन इन द बिलो इमेज। डिटरमाइन द सस्पेक्ट हैविंग द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीन प्रेजेंट एट द क्राइम साइट। ओके, क्राइम सीन। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, सस्पेक्ट सी। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज टेक्निक वेयर काउंट्स ऑफ रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस आर यूज्ड फॉर प्रोली प्रोफाइलिंग एंड इंडिविजुअल एज इट इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल। फ्रॉम द इमेज क्राइम सीन सैंपल एंड सस्पेक्ट सी हैव सिमिलर बाइंडिंग पैटर्न वेयर एज ए बी एंड डी बाइंडिंग पैटर्न इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्राइम सीन सेक्शन। द प्लेसेंटेशन इन कार्नेशन फ्लावर इज करेक्टली डिस्प्लेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो डायग्राम। आंसर विल बी बी। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स नेमली मार्जिनल एक्साइल पैराइटल बेसल सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। विच ऑफ दीज कैनाल्स आर करेक्टली मैच्ड विद द ऑर्गन्स दैट दे आर लोकेटेड इन। ओके, फर्स्ट यहाँ पे है क्रेनियल कैनाल, सेंट्रल कैनाल, वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा गलत है। सेकेंड यहाँ पे का न्यूरल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत होगा। थर्ड यहाँ पे कैनाल ऑफ सेल्म, तो ये आई में होते हैं, बिल्कुल सही है। सेमी सर्कुलर कैनाल ईयर में होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी थर्ड और फोर्थ यहाँ पर सही होगा, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे गलत होगा। न्यूरल कैनाल इज अ कैविटी विद इन द वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट विद इन द न्यूरल कैनाल। सेंट्रल कैनाल और न्यूरोसील इज द कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच कंटेन्स सीएसएफ। सेमी सर्कुलर कैनाल आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ईयर। दे हैव रिसेप्टर्स कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलैरिस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस इक्विलिब्रियम। कैनाल ऑफ सेल्म इज द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन ऑफ द आई। द एक्वस ह्यूमर ऑफ द आई अल्टीमेटली ड्रेन्स फ्रॉम द कैनाल ऑफ सेल्म इन टू द वेनस ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो द ग्राफ 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो आंसर होगा यहाँ पे डी, फर्स्ट जो होगा वो हिप्पोकैम्पस का होगा, सेकंड सीटाकुल्ला और थर्ड स्पर्मोफिलस। ओके, ग्राफ 1 रिप्रेजेंट डिपिक्ट करता है कॉन्फॉर्मर का, जिसमें हिप्पोकैम्पस आएंगे, हिप्पोकैम्पस कॉन्फॉर्मर होते हैं। ग्राफ 2 यहाँ पे डिपिक्ट करता है रेगुलेटर का, जिसमें सीटाकुल्ला आएंगे और जो बर्ड हैं एप्स में आते हैं। ग्राफ थर्ड यहाँ डिपिक्ट करता है पार्शियल रेगुलेटर का, जिसमें स्पर्मोफिलस आएंगे। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, जरूर याद रखें। ओके, सीटाकुल्ला पैरट को बोलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। आंसर हमारा ए होगा, ऑल प्लांट्स हैव पीजीए एट द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सीओ टू फिक्सेशन, ये हमारा रॉन्ग होगा। बाकी बी सी डी जो है वो सही है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेज इन नंबर व्हाइल द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोन्स। स्ट्रोमा लैमेला मेम्ब्रेन्स लैक स्पेस सेकेंड एज वेल एज एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम और कैरोटेनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटोऑक्सीडेशन। ओके, थ्री पी प्लांट्स पी क्यू एंड आर इच हैविंग इनफ्लेटेंड ग्रीन पॉट्स आर अलाउड टू ग्रो अंडर नेचुरल कंडीशंस। 1000 सीड्स फ्रॉम ईच प्लांट वेयर कलेक्टेड एंड देयर वेयर शोन टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर प्रोजेनिज। द फॉलोइंग वेयर द ऑब्जर्वेशंस। ओके, पी क्यू आर 1000 हैव इनफ्लेटेंड ग्रीन पॉट्स, क्यू यहाँ पे 242 कंस्ट्रक्टेड ग्रीन पॉट्स, 758 इनफ्लेटेंड ग्रीन पॉट्स और आर यहाँ 741 इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड, 259 इन्फ्लेटेड येल्लो पॉड। द करेक्ट जीनोटाइप्स ऑफ द थ्री प्लांट्स आर, आंसर हमारा सी होगा, यहाँ पे पी सेकेंड कैपिटल जी कैपिटल जी, क्यू कैपिटल जी कैपिटल जी और आर सेकेंड कैपिटल यहाँ पे जीन के बारे में बताया हुआ है, तो पी यहाँ पे होगा आई आई कैपिटल जी इन्फ्लुएंट का ये डोमिनेंट है, क्यू यहाँ पे
कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल जी, और आर में होगा कैपिटल आई कैपिटल जी स्मॉल जी। ओके, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ हेलोबियल इंडोस्पर्म, आंसर विल बी डी। द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाई अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विद द लार्जर सेल टुवार्ड्स द माइक्रोपाइल। गिवेन बिलो इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल। आइडेंटिफाई द एनिमल एंड द रीजन वेयर इट वॉज फाउंड, आंसर विल बी ए थैलासिन ऑस्ट्रेलिया। ओके, जितने भी एक्सटिंक्ट एनिमल के ट्रिक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे एक्सटिंक्ट एनिमल का ट्रिक आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, विच स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आंसर विल बी ए किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टूगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला विथ पैरामेसियम एंड अमीबा। विच ऑफ दीज ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज इंजाइम्स, आंसर विल बी ए वन, यानी कि ट्रांसफरेज इनेबल ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन एच, लाइगेज लिंकिंग टूगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, आइसोमेरेज इंटर कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर सिमिलर ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल शेप्स, और लाइएज लाइएज जो है रिमूव्स ग्रुप्स बाई प्रोसेस अदर देन हाइड्रोलाइसिस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द डाइजेस्टेड डीएनए द डीएनए फ्रेगमेंट क्लोजेस्ट टू द कैथोड इज, आंसर विल बी सी द हेवीएस्ट एंड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एज कंपेयर टू द अदर सेल्स इन अ मेमेलियन टेस्टिस, लेडिंग सेल विल हैव मोर अमाउंट ऑफ, आंसर विल बी सी अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईच ऑफ दीज ऑप्शंस हैज अ पेयर ऑफ डिजीजेज, विच ऑप्शन हैज वन ऑफ दीज डिजीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन ऑफ अ हॉर्मोन, विच द अदर वन इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपर हाइपोसेक्रेशन ऑफ द सेम हॉर्मोन, विच वन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ पेयर, आंसर विल बी डी टेटनस एंड टेटैनी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, आंसर विल बी डी फोर, फोर जो है इन्वर्टेड पिरामिड होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का बायोमास का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स, आंसर विल बी डी ट्राइनोसोरस इवॉल्व फ्रॉम ब्रैकियोसोरस। ओके, ये हमारा करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। ट्राइसेराटोटॉप्स आर हर्बीवोरस डायनासोर्स दैट एग्जिस्टेड अबाउट 68 मिलियन ईयर्स एगो। स्टेगोसोरस इज हर्बीवोरस डायनासोर्स दैट एग्जिस्टेड अबाउट 155 टू 150 मिलियन ईयर्स एगो। इट इज बिलीव दैट स्टेगोसोरस इवॉल्व टू फॉर्म ट्राइसेराटॉप्स। ब्रैकियोसोरस इज अ हर्बीवोरस डायनासोर्स दैट एग्जिस्टेड अबाउट 154 टू 153 मिलियन ईयर्स एगो। ट्राइनोसोरस वेयर कार्निवोरस डायनासोर्स दैट एग्जिस्टेड अबाउट 66 टू 68 मिलियन ईयर्स एगो। इट इज बिलीव्ड दैट ब्रैकियोसोरस इवॉल्व टू फॉर्म ट्राइनोसोरस। ओके, विच ऑफ दीज सिम्टम्स इज कॉज्ड बाई द एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइट्स, आंसर विल बी बी कैरेक्टरिस्टिक फीचर काउजिंग अ फीलिंग ऑफ कोल्ड चिल्स एंड रिगर फॉलोड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड फाइनली काउजिंग परफ्यूज स्वेटिंग। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ द मेल, आंसर विल बी डी क्लाइटोरिस। यहाँ पे मेल फीमेल के जो है शेयर्ड फंक्शन और जो है होमोलोगस ऑर्गन्स बताए गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। स्क्रोटम जो है वो लेबिया मेजर के होमोलोगस है, टेस्टिस ओवरी के, कॉपर्स ग्लैंड बार्थोलिनस ग्लैंड का, पेनिस क्लाइटोरिस का, और स्किन्स ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड से होमोलोगस है। सर्टेन इवेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द कम्बिनेशन दैट इज इनकरेक्ट। ओके,
तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो डी है, फोर। द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल इज चेंज्ड आफ्टर द प्रोसेस, तो ट्रांसक्रिप्शन में यस, और डीएनए रेप्लिकेशन में नो, ये जो है इनकरेक्ट है। ओके, बाकी 1, 2, 3 जो है वो सही है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द मॉलिक्यूल इज कॉपीड वेयर बोथ द स्ट्रैंड्स आर इन्वॉल्व डायरेक्टली। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन एंड द प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव। द ओरिजिनल स्ट्रैंड इज केप्ट इंटैक्ट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वेयर यूरासिल बाइंड्स टू एडेनिन। ऑल्सो द टेम्पलेट स्ट्रैंड ओरिजिनल स्ट्रैंड इज केप्ट इंटैक्ट विदाउट एनी चेंजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन। आंसर विल बी डी। मैच द नेम्स करेक्टली विथ दियर अचीवमेंट। ओके, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे होगा ई क्यूरियोसावा का थर्ड, यानी द फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। बी एफ स्कूक एंड मिलर का होगा फोर, यानी आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइज्ड काइनेटीन। सी एफ डब्ल्यू वेंट का होगा फर्स्ट, यानी आइसोलेटेड ऑक्जीन फ्रॉम कोलियोप्टाइल टिप्स ऑफ ओट सीडलिंग। और डी का सेकेंड, एच एच कॉजिन्स का होगा सेकेंड, यानी कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम रिपेन्ड ऑरेंजेस दैट हास्टेंस राइपनिंग ऑफ बनानाज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू क्लास फियोफाइसी। आंसर विल बी ए, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस एंड सर्गेशम। राज हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी फॉर स्किन कलर। मैरिज सिमरन हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए कैप स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी फॉर स्किन कलर। व्हाट इज द चांसेस दैट दे हैव अ चाइल्ड हुज स्किन कलर डज नॉट मैच विथ आइदर राज और सिमरन। आंसर विल बी सी, 25%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डायफ्राम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा यहाँ पे सी, विच प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी एंड एड्स। तो ये हमारा गलत है, बाकी ए बी सी डी जो है वो सही है। दीज प्रिवेंट कंसेप्शन बाई ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। दीज आर मेड अप ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, और दीज आर रीयूजेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिक्वायर्स एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। आंसर विल बी डी, पायरुवेट टू एसिटाइल को ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। आंसर विल सी, कॉमन पैंसी। द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज रिलीज्ड सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स दैट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स आर नॉट करेक्टली ग्रुप्ड विथ द न्यूट्रिएंट दैट दे हैव बीन इनरिच्ड विथ। आंसर विल बी ए, टोमैटो, विटामिन ए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेडिग्री सिंबल, व्हाट डज दिस सिंबल रिप्रेजेंट। आंसर विल बी ए, द कपल हैज अ पेयर ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कार्टिलेज। आंसर विल बी सी, ऑल द कार्टिलेज इनवर्टिब्रेट इम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन। ये हमारा इनकरेक्ट है, बाकी ए बी और डी जो है करेक्ट है। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। इट रेजिस्ट कंप्रेशन और कॉन्ड्रोसाइट्स आर सेल्स ऑफ कार्टिलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पोजिशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड शलाजा इन एन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। आंसर विल बी ए, स्ट्रेट लाइन ऑफ अ फ्यूनिकुलस। सेलेक्ट द करेक्ट पेयरिंग। आंसर विल बी बी, रेड एनोफ्लैजेलेट्स गोनायुलेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट PBR332। आंसर विल बी बी, रॉप कोड्स फॉर प्रोटीन्स दैट हेल्प इन रेप्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स अबाउट अ फ्लावर कैनॉट बी डिड्यूस्ड जस्ट बाई ऑब्जर्विंग द फ्लोरल फॉर्मूला। आंसर विल बी बी, द पेटल्स शो कॉन्टोर्टेड एस्टिवेशन। ओके,
कैनॉट बी डिड्यूस्ड। ओके तो यहाँ आंसर होगा बी। विच ऑफ दीज एल्गी हैव अ हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। आंसर विल बी सी थर्ड। ओके मोस्ट अल्गल जेनरा आर हैप्लोंटिक। सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस पॉलीसिफेनिया केल्स आर हैप्लो डिप्लोंटिक। फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लोंटिक। ऑप्शन वन इज फ्यूकस विच इज ब्राउन एल्गा। ऑप्शन सेकेंड इज कारा विच इज ग्रीन एल्गा। ऑप्शन थर्ड इज पॉलीसिफोनिया विच इज रेड एल्गा। ऑप्शन फोर इज अ वोल्वोक्स विच इज अ रेड विच इज अ ग्रीन एल्गा। रीड द स्टेटमेंट्स अबाउट इथाइलिन गिवेन बिलो एंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। ओके ए इथाइलिन इज अ सिंपल गैसेस पीजीआर बिल्कुल सही है। इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डोरमेंसी ये भी बिल्कुल सही है। सी यहाँ पे कह रहा है इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग ये भी बिल्कुल सही है। डी यहाँ पे है इथाइलिन प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन ये भी बिल्कुल सही है। डी यहाँ पे आंसर होगा ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज शोज इनहेरिटेंस पैटर्न सिमिलर टू मेंडेलियन फैक्टर्स। ओके तो यहाँ पे आंसर होगा सी यानी सिक्स। तो यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस सिकल सेल एनीमिया थैलासेमिया एंड फिनाइकोटोरिया आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर एक्स लाइंड रिसेसिव डिसऑर्डर दे आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एक्स एक्स वाई डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी 21 और टर्नर सिंड्रोम एक्स ओ आर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर होगा सी सिक्स। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। आंसर विल बी सी रिपीटेड क्वेश्चन है बलविल ऑफ एगेव। द फॉलोइंग इज स्ट्रिप ऑफ मालाडी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट इट इज ट्रू। ओके तो यहाँ पे जो होगा बी होगा द डार्क टैबलेट्स डोंट कंटेन इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। फॉर एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे फैटी एसिड मस्ट कन्वर्ट इनटू। आंसर विल बी सी एसिटाइल को ए। फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाइल को ए बिफोर फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाइल को ए बिफोर एंट्रिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्सट्रेट। द एसिटाइल को ए इज यूज्ड अप इन द क्रेब्स साइकिल टू प्रोड्यूस एनर्जी। एन एंजियोस्पर्म मेल प्लांट हैविंग 24 क्रोमोसोम्स इन इट्स पॉलन मदर सेल इज क्रॉस्ड विद अ फीमेल प्लांट बियरिंग 24 क्रोमोसोम्स इन इट्स रूट सेल्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म फॉर्म फ्रॉम दियर फ्रॉम दिस क्रॉस विल मोस्ट बी लाइक बी। आंसर विल बी डी 24 एंड 36। कॉकरोच अ टाइप ऑफ इंसेक्ट हैज एन ऑर्गेन फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड पार्टिकल्स कॉल्ड। आंसर विल बी गिजर्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये हमारा जो है गलत होगा इनकरेक्ट पूछ रहा है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर। थर्ड यहाँ पे कह रहा है लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द टैक्सा एट द सेम लेवल। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड किंगडम एनिमल किंगडम हैव सब स्पीसीज एज द लोवेस्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा सी होगा। तीन जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे है वो सही है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर। ये सेकंड हमारा सही है, बाकी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो गलत है। इसलिए आंसर हमारा सी होगा थ्री। एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू द किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेज। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एट द लोवेस्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज इनकरेक्ट। आंसर विल बी सी जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ओनली ऑर्गेनिक मेटल्स। ये हमारा इनकरेक्ट है, बाकी ए बी और डी जो है सही है। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दैट इज बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज बट अदर
Sugars, hormones, and amino acids are also transported or translocated through phloem, or the chief sinks for the mineral elements are the growing regions of the plant, such as the apical and lateral meristem, young leaves, developing flowers, fruits, and seeds, and the storage organs. A woman whose mother is colorblind and father is her hemophilic marries a man whose mother is hemophilic and father is colorblind. Which of the following is correct about its progeny? Answer will be D. Half of their children will be hemophilic while one fourth will be colorblind. Okay, तो ये सारे थे हमारे बायो क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, ओके, और जो नए भी हो से प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही सारे टेस्ट के वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल पे, जितने भी एनटीए मॉक टेस्ट के हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर वन है केमिस्ट्री का, फॉर एन आयनिक कंपाउंड लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। आंसर विल बी डी, चार्ज ऑन द आयंस एंड साइज ऑफ द आयन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन अ हाइड्रोजन व्हेन इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट वन। रीड बाय क्वेश्चन 1.0978×10⁷ मीटर पर मीटर। आंसर विल बी ए, 91 नैनोमीटर। इफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोब्यूटेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन आर प्रेजेंट इन गैस देन कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 kg ऑफ दिस गैस। आंसर विल बी सी, 17.9 kg। व्हेन कलर पर प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेंड बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फेट रेडिकल विथ अमोनियम मोलिब्डेट। आंसर विल बी सी, कैनरी येलो। द चेंज इन बॉन्ड एंगल एज द एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिक्रीजेज इज। आंसर विल बी ए, डिक्रीजेज। व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फीन गैस इज मिक्स्ड विथ क्लोरीन गैस। आंसर विल बी सी, PCl5 एंड HCl आर फॉर्म्ड एंड द मिक्सचर कूल्स डाउन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एयर डिक्रीजेज फ्रॉम 0.808 atm टू 0.6 atm ऑन मिक्सिंग अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी टू लिक्विड ए। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन इज। आंसर विल बी ए, 0.25। द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट इज। आंसर विल बी बी, Cr H2O6 2+ और Fe H2O6 2+। विच ऑफ द फॉलोइंग री एजेंट इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2-hexyne इंटू ट्रांस 2-hexene। आंसर विल बी डी, NiNH3C2H5OH। डिटरमाइन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर विच इज मेड फ्रॉम एक्स एंड वाई वेयर एक्स एटम्स आर द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड वाई एट द फेस सेंटर्स ऑफ द क्यूब। आंसर विल बी XY3। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इज डिटेक्टेड बाय। आंसर विल बी सी, ब्लिस्टीन टेस्ट। A strip of copper is dipped into a colorless solution of the following four salts, which are placed separately in four different test tubes. Which solution will turn blue? Answer will be D, AgNO3. Which alkene does not follow anti-Markovnikov's addition rule? Answer will be A, 2-butene. The van der Waals constant A for the gases O2, N2, NH3 and CH4 are 1.3, 1.390, 4.170 and 2.253 liter square atm per mole square respectively. The gas which can be most easily liquefied is, answer will be C, ammonia. Which offensive smelling compound is obtained when ethyl amine is heated with chloroform and alcoholic KOH? Answer will be B, isocyanide. The incorrect statement about the zeolites is, answer will be, some of the SiO4 minus units are replaced by AlO4 minus 5 and AlO6 9 minus ions in zeolites. So, ये हमारा incorrect है, बाकी A, C और D जो है वो correct statements हैं. They are used as cation exchangers. Zeolites are aluminosilicates having 3-dimensional network or they have open structure which enables them to take up small molecules.
आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस सी ओ प्लस एच टू हाई टेम्परेचर गिव्स आर सी एच टू सी एच टू सी एच ओ द एबव रिएक्शन इज आंसर विल बी बी ऑक्जो प्रोसेस। एक्टिनियम 231-89 आफ्टर इमिशन ऑफ सम अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स गिव्स Pb2072 द नंबर ऑफ सच अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर रिस्पेक्टिवली आंसर विल बी बी 6 एंड 5। The compound formed when ethyl alcohol C2H5OH is mixed with ammonia and passed over heated alumina is. Answer will be A. C2H5NH2 yani ethyl amine. Which isomerism shown by the compound CrNH3 whole 5NO2 Cl2? Answer will be D. Linkage isomerism. The equilibrium reaction PCl5 solid gives PCl3 solid plus Cl2 gas is carried in a closed vessel. What is the effect on equilibrium concentration of Cl2 gas by adding PCl5 at constant temperature? Answer will be B. Increases. Which of the following compound does undergo aldol condensation? Answer will be D. CH3.CH2.CHO. Which one of the following species acts as both Bronsted acid and base? Answer will be C. HPO4-2. How to obtain glacial acetic from its solution? Answer will be B. Crystallizing, separating, and melting acetic acid. The reason why beryllium differs from rest of members of its family group 2A. Answer will be D. A small size and higher electronegativity. The hybridization states of Ni atom among NiCO4, NiCN4 2- or NiCl4 2- species are respectively atomic number nickel ka 28 hai. Answer hoga C. sp3, dsp2 or sp3. Which compound can produce chloropicrin with Cl2NaOH? Answer will be A. Nitromethane. The number of oxygen atoms attached to each phosphorus atom in P4O10 is? Answer will be D4. Which compound has the same value of Van't Hoff factor I as that of K4FeCN whole 6? Answer will be C. L2SO4 whole thrice. According to Hess law, the heat of reaction depends upon. Answer will be B. Initial and final conditions of reactants. Natural rubber is an example of which type of polymer? Answer will be B. Elastomer. The example of amorphous solid is. Answer C. Mohr salt. The rate law of the reaction 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 is. Answer will be D. Rate equal to K N2O5. First order reaction hota hai isliye. The relation between glucose and mannose is. Answer C. Epimers. Which of the following is not a mineral of aluminium? Answer B. Anhydrite. The reaction that occurs at the cathode of a common dry cell is. Answer C. 2MnO2 plus Zn plus 2 plus 2 electron gives ZnMn2O4. Which solvent is best as an ionizing solvent having? Answer B. High value of dielectric constant. Chloramine T is used as. Answer B. Antipyretic. Predict the period group and block of an element having electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Answer will be A. Period equal to third block. Block P. Period yahan pe third hoga, block P or group yahan pe 16 hoga. The correct variation for adsorption of a gasage on a solid surface with pressure of the gas in the following manner is. Answer will be B. Sabse pehle fast, then slow, uske baad independent of pressure ho jayega.
विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज एन एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग. आंसर विल बी डी NaNO2. फ्रॉम द गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल Fe प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe E0 इक्वल टू माइनस 0.440 वोल्ट. Fe 3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe E0 इक्वल टू माइनस 0.036 वोल्ट. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 फॉर Fe 3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe प्लस प्लस इज. आंसर विल बी ए प्लस 0.772 वोल्ट. द रेट ऑफ अ केमिकल फ्रिक्शन इंक्रीजेज बाई कैटलिस्ट ड्यू टू. आंसर विल बी सी डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. आंसर विल बी डी सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीट वीक इलेक्ट्रोलाइटिक द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज. आंसर विल बी सी विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन. ओके ये सारे थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन. ओके वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना. जो नए व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे सारे वीडियो आते रहेंगे टेस्ट के NTA मॉक टेस्ट के आते हैं फिजिक्स में. यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट यहाँ फिजिक्स का है. सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हैविंग 50 टर्न्स कैरिज अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर. इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ 0.1 वेबर मीटर स्क्वायर. द वर्क डन टू रोटेट द क्वाइल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन बाई 180 डिग्री इज. आंसर विल बी ए 0.1 जूल. अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर इज बेंट इन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर. द सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायमीटर ए बी एज शोन इन द फिगर. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज. आंसर विल बी सी पाई बाई पाई प्लस 4 ओम. इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर एंड आर प्लस आर आर बैलेंस्ड एट द लेंथ L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर विल बी. आंसर विल बी सी L2 माइनस L1 बाई L1 इंटू आर. 100 वोल्ट एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज कनेक्टेड टू एन LCR सर्किट विथ L इक्वल टू 8.1 मिली हेनरी, C इक्वल टू 12.5 माइक्रोफेराड, R इक्वल टू 10 ओम, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर. व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट. आंसर विल बी बी 2.54. प्लॉट द वेरिएशन ऑफ EMF अक्रॉस द इंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आंसर विल बी सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. चार्ज पार्टिकल Q1 इज एट पोजिशन 2, -1 and 3. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2 एट 0, 0 and 0 इज. आंसर विल बी डी Q1 Q2 बाई 56 अंडर रूट 14 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -2i cap प्लस j cap -3k cap. थ्री चार्जेज -Q कैपिटल Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन स्ट्रेट लाइन. इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज इज जीरो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q इज टू स्मॉल Q. आंसर विल बी डी 1:4. अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ए लेंथ अवे फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करेंट I1. इफ द लूप कैरीज अ करेंट I2 एज शोन इन द फिगर देन द नेचर ऑफ द फोर्स एंड इट्स अमाउंट इज. आंसर विल बी बी मी नॉट I1 I2 बाई 4π एंड अट्रैक्टिव. रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है. अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ मास ऑफ 1.6 × 10⁻²⁶ kg कम्स आउट ऑफ एक्सेलेटर ट्यूब विथ काइनेटिक एनर्जी 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट शुड बी अप्लाइड इन वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन टू जस्ट प्रिवेंट द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम कोलाइडिंग द प्लेट. एज्यूम चार्ज ऑन पार्टिकल इक्वल टू चार्ज ऑफ द प्रोटोन. आंसर विल बी ए 2t. अ स्लैब कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास ऑफ द सेम थिकनेस एंड हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी इन द रेशियो 1:4. इफ द फ्री फेस ऑफ ब्रास इज एट 100 °C एंड दैट ऑफ कॉपर एट 0 °C द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस इज. आंसर विल बी ए 80 °C.
A system is taken through a cyclic process represented by a circle as shown. The heat absorbed by the system is. Answer will be B, pi by 2 joule. A cyclic process is shown on the VT diagram. The same process on PT diagram is shown by. Answer will be A. In an adiabatic expansion of air, the volume increases by 5%. What is the percentage change in pressure? Answer will be A, 7%. An iron tire of diameter 2 meter is to be fitted on the wooden wheel of diameter 2.01 meter. The temperature to which the tire must be heated if alpha equal to 11 to 10 to minus 6 per degree centigrade and room temperature is 20 degrees Celsius will be. Answer will be A, 474.5 degrees Celsius. 50 gram of ice at 0 degrees Celsius mixed with 50 gram of water at 80 degrees Celsius. The final temperature of the mixture is latent heat of fusion of ice equal to 80 calorie per gram, SW equal to 1 calorie per gram per degree Celsius. Answer will be A, 0 degree Celsius. A string of mass 2.5 kg is under a tension of 200 Newton. The length of the stretched string is 20 meter. If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? Answer will be A, 0.5 second. Choose the wrong statement. Answer will be C, if the speed of particle is constant, its acceleration must be zero. यह हमारा wrong है. बाकी A, B और जो है वो सही है. Zero velocity of a particle at any instant does not necessarily mean that its acceleration is zero. Zero acceleration of a particle at any instant does not necessarily mean that its velocity is zero. When a particle moves in a circle with uniform speed, answer will be D. Its velocity and acceleration both change. A block A kept on an inclined surface just begins to slide if the inclination is 30 degrees. The block is replaced by another block B and it is found that it just begins to slide if the inclination is 40 degrees. Answer will be D. All the three are possible. Yani mass of A is more than mass of B, mass is of A is less than mass of B, or mass of A equal to mass of B. सारे में possible हो सकता है. An inelastic ball is dropped from a height 100 meter. If due to impact it loses 35% of its energy, the ball will rise to a height of. Answer will be B, 65 meter. Two particles whose masses are 10 kg and 30 kg and their position vectors are I cap plus j cap plus k cap and minus I cap minus j cap minus k cap respectively would have the center of mass at. Answer will be A, minus I cap plus j cap plus k cap by 2. An object of mass 5 kg and speed 10 meter per second explodes into two pieces of equal mass. One piece comes to rest. The kinetic energy added to the system during the explosion is. Answer will be C, 250 joule. A particle strikes elastically with another particle with velocity v. After collision, it moves with half the velocity in the same direction. Find the velocity of the second particle if it is initially at rest. Answer will be A, 3v by 2. A small sphere is given vertical velocity of magnitude v naught or equal to 5 meter per second and it swings in a vertical plane about the end of the massless string. If maximum tension string can withstand is equal to twice of the weight of sphere, then angle theta with vertical at which string will break is. Answer will be B, cos inverse 1 by 4. The height above surface of earth where the value of gravitational acceleration is 1/4 of that at surface will be. Answer will be D, RE. The orbital velocity of an artificial satellite in a circular orbit just above the earth's surface is V. For satellite orbiting at an altitude of half of the earth's radius, the orbital velocity is. Answer will be C, under root 2 by 3 V.
For a definite length of wire, if the weight used for applying tension is immersed in water, the frequency will be, answer will be A, become less. A simple pendulum 4 meter long swings with an amplitude of 0.2 meter. What is its acceleration at the ends of its path? Answer will be C, 0.5 meter per second square. The bulk modulus of water is 2 into 10 to the power 9 newton per meter square. The change in pressure required to increase the density of water by 0.1% is. Answer will be C, 2 into 10 to the power 6 newton per meter square. A mosquito with 8 legs stands on water surface and each leg makes depression of radius A. If the surface tension and angle of contact are capital T and 0 respectively, then the weight of mosquito is. Answer will be B, 16 pi T A. Three identical rods, each of mass M, length L, are joined to form an equilateral triangle ABC. Find the moment of inertia about BC as shown. Answer will be C, ML square by 2. A big particle of mass 3 plus m kg blasts into three pieces such that a particle of mass 1 kg moves along x axis with velocity 2 meter per second and a particle of mass 2 kg moves with velocity 1 meter per second perpendicular to direction of 1 kg particle. If the third particle moves with velocity under 2 meter per second, then m is. Answer will be A, 2 kg. An alpha particle of energy 5 megaelectron volt is scattered through 180 degree by stationary uranium nucleus. The distance of closest approach is of the order. Answer will be C, 10 to the power minus 12 centimeter. A hydrogen atom is atom in ground state absorbs 10.2 electron volt of energy. The orbital angular momentum of the electron is increased by. Answer will be A, 1.05 into 10 to the power minus 34 joule second. The activity of a radioactive element decreases to one third of the original activity I note in a period of 9 years. After a further lapse of 9 years, its activity will be. Answer will be C, I note by 9. In photoelectric effect, the slope of a straight line graph between stopping potential V naught and frequency of incident light V gives. Answer will be D, ratio of Planck's constant to change on ratio of Planck's constant to charge on electron. A photocell is illuminated by a small bright source placed 1 meter away. When the same source of light is placed 1 by 2 meter away, the number of electrons emitted by photocathode would be. Answer will be C, increases by factor of 4. A dot B bar plus A bar dot B to the whole bar is equivalent to. Answer will be B A plus B bar plus A bar plus B. In a transistor, the base is made very thin and lightly doped with an impurity because. Answer will be C, to enable the collector to collect 95% of the holes or electron coming from the emitter side. The current gain for a transistor used in common emitter configuration is 98. If the load resistance is 1 mega ohm and the internal resistance is 600 ohm, what is the voltage gain? Answer will be D, none. The dispersive powers of flint glass and crown glass are 0.053 and 0.034 respectively, and their mean refractive indexes are 1.68 and 1.534 white light. Calculate the angle of the flint glass prism required to form an achromatic combination with a crown glass prism of refractive angle 4 degree. Answer will be C, 5 degree. An equilateral prism deviates a ray through 45 degree for two angles of incidence differing by 20 degree. The angles of incidence are. Answer will be C, 62 degree 30 second and 30 minute and 42 degree 30 minute. A narrow slit of width 1 mm is illuminated by monochromatic light of wavelength 600 nanometer. The distance between the first minima on either side of the screen at a distance of 2 meters is. Answer will be
डी 2.4 मिलीमीटर। अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वाट पर मीटर स्क्वायर पासेस थ्रू थ्री पोलराइजर सच दैट ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड पोलराइजर मेक्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस्ड विथ दैट ऑफ द फर्स्ट द इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल इमर्जिंग लाइट विल बी आंसर विल बी 3 वाट मीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है। टू थिन यूनिफॉर्म रिंग्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ रेडियाई आर एंड फोर आर आर ज्वाइंट एट सोन द मास ऑफ द स्मॉलर रिंग इज स्मॉल एम फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बिगर रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आंसर विल बी 90 mR2। ओके, ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ओके, जिन्हें भी NTA मॉक टेस्ट का सारे PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।